हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बिरला सॉफ्ट स्टॉक की। और एमके ग्लोबल इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश दिख रहे हैं और 500 के टारगेट सुजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आज के वीडियो के माध्यम से इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल भी जानेंगे और टेक्निकल भी चेक करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक की किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है और पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल SMII को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस स्टॉक के लेटेस्ट टारगेट जान लेते हैं। तो जो लेटेस्ट टारगेट निकल कर आ रहे हैं, दे आर गिवन बाई द एम के ग्लोबल एंड इट हैज़ गिवन ए बाई कॉल ऑन बिरला सॉफ्ट विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹500 फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इस स्टॉक पे बहुत ही बढ़िया टारगेट निकल कर आ रहे हैं। अब हम इस कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1990 एंड दिस इज ए स्मॉल कैप कंपनी विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹11,546 करोड़ एंड दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग इन द IT सॉफ्टवेयर सेक्टर। तो ये जो कंपनी है IT सॉफ्टवेयर सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी निकल कर आ रही है। अब हम इस कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल जान लेते हैं। फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर एंडेड ऑन द 30 जून 2021, द कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ द कंपनी हैज़ बीन रिपोर्टेड एज ₹966 करोड़ एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 6.48% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड दिस इनकम हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 6.65% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आप देख सकते हो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। अब हम इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक दिन में इस स्टॉक में 1.45% की तेजी देखी गई है और ये जो स्टॉक है 412.90 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। यदि हम इसकी 5 डे की परफॉर्मेंस देखें तो ये फ्लैट निकल कर आ रही है। पहले ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था और इसने अपनी सपोर्ट जो बनाई थी दैट वॉज नियरली 406। तो लेकिन अब इसने अपना ऊपर सपोर्ट बना लिया है, हायर सपोर्ट बना लिया है और इसमें बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड जो है वो दिख रहा है। अब हम इस कंपनी की पास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे नियरली 4% की तेजी देखने को मिल रही है। पहले इसमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फिर इसमें जो है कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, लेकिन अब इस स्टॉक में थोड़ा सा अप ट्रेंड भी देखने को मिला है। अब हम इस कंपनी की पास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे 83.27% की तेजी देखने को मिली है, बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है और इसका जो चार्ट पैटर्न है ये भी पॉजिटिव एंड ब्यूलिश ट्रेंड शो कर रहा है। यदि हम 1 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पे 157.18% की तेजी देखने को मिली है, बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिले हैं और इसका जो चार्ट पैटर्न है ये भी पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। यदि हम 5 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पे 490% के अराउंड मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि हम ऑल टाइम का डाटा देखें तो यहाँ पे 4255% की तेजी देखने को मिली है और इसका जो चार्ट पैटर्न है 2020 के बाद बहुत ही बढ़िया स्टीप ग्रोथ शो कर रहा है। अब हम इस कंपनी का वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पहले कल का डाटा देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ट्रेडेड वाज 11 लाख एंड द डिलीवरी इज 6 लाख। तो नियरली 52.33% की डिलीवरी उठाई गई है। यदि हम 1 वीक का एवरेज डाटा देखें तो 45.21% की डिलीवरी उठाई जा रही है। 1 मंथ का एवरेज डाटा देखें तो 9 लाख की डिलीवरी उठाई जा रही है और 38.68% की डिलीवरी उठाई जा रही है और बहुत ही बढ़िया माल इस स्टॉक में उठाया जा रहा है। अब हम इस कंपनी का क्वार्टरली डाटा देखेंगे, पहले फाइनेंशियल देखेंगे, रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जून 20 से लेकर जून 21 तक इस कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही कंसिस्टेंट निकल कर आ रही है। पहले जून से 20 तक थोड़ी सी मार्जिनली इस कंपनी के रेवेन्यू में डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को भी मिली है। अब हम इस कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे, नेट प्रॉफिट का डाटा देखेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत ही लीनियर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जून 20 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज 56 करोड़ और जून 21 में ये बढ़ के 113 करोड़ हो गया है।
तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का ग्रोथ देखेंगे, रेवेन्यू का डाटा देखेंगे। तो 2017 था, इसमें इस कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज 3,320 करोड़, लेकिन 18 में यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली है। और 2021 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 3,555 करोड़ हो गया है। यदि हम नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो ये भी सेम पैटर्न शो कर रहा है और बढ़िया ग्रोथ शो कर रहा है आफ्टर द 2018। और 2021 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 320 करोड़ हो गया है। तो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो पॉजिटिव निकल कर आ रही है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। जो प्रमोटर्स हैं दे आर होल्डिंग 40.67% स्टेक इन दिस कंपनी, FIIs आर होल्डिंग 17.29% स्टेक, एंड DIIs आर होल्डिंग 19.61% स्टेक, पब्लिक इज होल्डिंग नियरली 22.15% स्टेक इन दिस कंपनी, एंड अदर्स आर होल्डिंग 0.28% स्टेक इन दिस कंपनी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका ट्रेंड चेक कर लेते हैं। पहले प्रमोटर्स का ट्रेंड देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग नियरली फिक्स स्टेक एंड इनका कोई भी स्टेक चेंज नहीं हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर। तो यदि DIIs का डाटा देखें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है और FIIs ने अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड किया हुआ है। लेकिन यदि DIIs का डाटा देखें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है और DIIs ने अपना स्टेक जो है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, 8.1869% से बढ़ाकर 19.61% कर दिया है फ्रॉम द जून 2020 टू जून 2021। यदि पब्लिक का डाटा देखें तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स देखें तो यहाँ पे 80% जो लोग हैं, जो 80% मनी कंट्रोल यूजर्स हैं, दे आर शोइंग बाई कॉल ऑन दिस स्टॉक एंड 10% आर गिविंग ए होल्ड कॉल इन दिस स्टॉक। तो बहुत ही पॉजिटिव डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन द एंड हम आपको यही कहना चाहते हैं, जो बिरला सॉफ्ट है ये IT सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक निकल कर आ रहा है। ये आपको अच्छी प्राइसेस पे भी मिल रहा है, इसमें आजकल कंसोलिडेशन भी हो रही है, तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके पोजीशन बना सकते हो। 1 ईयर का टारगेट हमने बता दिया है, लेकिन यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं और आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो वी विल मीट यू विद ए न्यू वीडियो एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।